नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। क्या पापा ने राजा को जेल भिजवा दिया? हाँ। तेरे पिताजी तो वकील है ना, चल उसकी जमानत करा लाते हैं। उसकी जमानत तो आज मेरा बाप भी नहीं करा सकता। क्यों? आज शनिवार है और कोर्ट सोमवार को खुलेंगे। ओह माय गॉड, यानी राजा को पूरे 2 दिन जेल में सड़ना पड़ेगा। ए छोकरी, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है? मैं तुमको अंदर कर दूंगा। तो कीजिए ना। नहीं, अंदर नहीं करूंगा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा। सुनिए, और कौन से जुर्म में आप अंदर कर सकते हैं? कौन से जुर्म में बोलो? अगर तुमने किसी का खून किया, किसी की जेब काटी, किसी का रेप करा तो, और किसी अफसर पे हाथ उठाया तो। थैंक यू। इसको दिन में दिखे तारा, क्या खींच के चाटा मारा? फिर इसने मुझे मारा, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा। अबे बांगड़ू, तूने मुझे मारा, तेरी तो सिविल पुलिस राइट, हुल्लड़ हुल्लड़ में अंदर सेक्शन 920। कम ऑन, गुलशन से इस कैद में आने पर अच्छी अच्छी बुलबुलें फड़फड़ाना भूल जाती है, तू भी भूल जाएगी। चल चल ना चल। मधु, तुम यहाँ कैसे? याद है हम दोनों ने कसम खाई थी, तुम जहाँ मैं वहाँ। अच्छा, तो इसीलिए कैद में आने के लिए बुलबुल इतना चेक रही थी। दुनिया इतनी जालिम हो गई इंस्पेक्टर साहब, कि हम जैसे प्यार करने वालों के लिए जेल से बेहतर जगह और कोई नहीं रही। मैं तो समझा था कि दुनिया से इश्क गायब हो गया, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की ब्यूटी ने मुझे मेरी ड्यूटी बुला दी। जानते हो, दुनिया के सारे आशिकों का अहम गालिब बॉडीगार्ड है, अगर तुम्हारे इश्क को कोई लाल झंडा दिखाएगा, यकीन करो अहम गालिब उसको डंडा दिखाएगा। यस। कहा मेरा बेटा? मैं पूछा मेरा बेटा कहाँ इंस्पेक्टर? वो तो उसकी अम्मा को पता है। अरे मेरा बेटा राजा, मैं जानना चाहता हूँ उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया जो उसे अपने अंदर कर दिया, उसे छोड़ दीजिए। ओहो, तो ये आपका बेटा? ये बेशरम लड़कियाँ आज्ञा कर रही है, अंडे दे रही। क्या दे रही है? अंडे। मधु, मजाक किसकी हुई जिसने मेरी बेटी को बंद कर दिया? मेरी, स्टेशन इंचार्ज एम गालिब की। आप गालिब हो या हसरत जयपुरी, आप मेरी बेटी को इसी वक्त रिहा करेंगे। अरे पहले मैं आया था, पहले मेरा बेटा रिहा होगा? नहीं, पहले मेरी बेटी। खामोश खामोश, न आपका बेटा रिहा होगा न आपकी बेटी। क्यों? इसलिए कि जमानत हो नहीं सकती, शनिवार को इतवार को मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, ना दोस्त को ना यार को। वाह 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 गालिब साहब, जमानत बी डैम्ड, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन करता हूँ। मैं अपने फर्ज के साथ दगा कर नहीं सकता, जमानत के बगैर इन्हें रिहा कर नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसी आवारा बेशर्म लड़की है, जेल में भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा, बेहया कहीं की। बेहया होगा इसका लड़का, इसे कह दीजिए बदचलन बदमाश लफंगा लोफर। ए लोफर, अपने बात को बोल। चुप। देखिए, ये आप लोगों का घर नहीं है, ये पुलिस थाना है। ज्यादा बकवास की तो आप दोनों को अंदर कर दूंगा। अरे अपने बच्चों से कुछ सबक सीखो, देखो प्यार में एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं। मधु, राजा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये प्यार हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, इनको रोकिए। रोकिए इनको गालिब साहब, पिंजरे में कर रहे हैं दो पंछी प्यार, देखो सर पीटते हैं बाहर दो चिड़ी मार, देखो। इंस्पेक्टर, लगता है किसी ने उड़ा दिया इनको। देखिए, चल।
हरामजादे, आज तक समझता था कि तू बच्चा है, डांट दूंगा तो समझ जाएगा, मगर आज तो तूने हद कर दी। तुझे वो कीमत चुकानी पड़ेगी कि आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। प्यार की कीमत आटे दाल के तराजों में रखकर नहीं तोली जाती मेहरा साहब, सूली पर चढ़कर आंखी जाती है। इस बार तो आप हमें रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन जब तक हमारी जान में जान है हम एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते रहेंगे। कोशिश तो तब करोगे बच्चू जब तुम्हारे हाथ पैर सलामत होंगे। इसको ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी भी ये मेरी बेटी के पास ना भटके। मधु आ मेरे साथ। राजा को छू कर तो देखिए, आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अच्छा, बेटी बाप को धमकी दे रही है? क्या कर लेगी तू? आप देखना चाहते हैं क्या कर सकती हूँ मैं? बेटी, मेरा आंसू बहता नहीं देख सकते थे, आज मेरा खून बहता देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। मधु बेटी, बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अंकल, क्या वो जाने के लिए राजी हो जाएगी? अरे जाने के लिए राजी नहीं होगी तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। बात कर ली उसने अपनी मनमानी, वो समझती है कि मैं उसका पागलपन देख के पिघल जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा मगर उस कमीने हजारी प्रसाद के बेटे से अपनी मधु की शादी नहीं होने दूंगा। मैं उस हरामजादे से अपनी बेटी को इतना दूर ले जाऊंगा कि वो तो क्या उसका ख्याल तक नहीं पहुंच सकेगा। वहां टिकट लाए तुम? जी अंकल। फ्लाइट कितने बजे है? ठीक 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद? यहाँ एक एक मिनट भारी पड़ रहा। शंकर से कहो मधु का सामान पैक कर दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मधु को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता।
तुम आ गए अजय, तुम आ गए। मैं तो हिम्मत हार बैठी थी। पापा मुझे तुमसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उनके साथ नहीं जाऊंगी राजा, उनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं मधु, तुम मत घबराओ, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। राजा, वो लोग आ गए राजा, मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं छुपा लो राजा। हरामजादे, तेरी ये हिम्मत कि मेरी बेटी के कमरे में घुसाया। तेरे जिस्म के जिस जिस हिस्से ने मेरी बेटी को छुआ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है खींच के, तेरी लाश निकलेगी इस घर से। I'll kill you, you bastard! I'll bloody kill you! ये गोली पापा, अब हमें कोई डर नहीं, हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हम साथ जी नहीं सके तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भगवान की मर्जी समझकर भूल जा, इसे माफ कर दे, आखिर ये भी तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा ही है। अरे मां, जिसे मैं जिगर का टुकड़ा समझता था उसने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसे मैं आंख का तारा समझता था उसने बदनामी का काजल बनके मेरा मुंह काला कर दिया। इससे कहिए चली जाए यहां से, मैं समझ लूंगा कि मेरी बीवी की तरह मेरी बेटी भी मर चुकी है। राजा अभी तक नहीं आया। अरे विठल जी, तुझे कुछ बोल कर गया, कब तक आएगा? नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं बोला। शाम होने को आई। और कोई रास्ता नहीं था माँ, मधु और मैंने शादी कर ली। सुखी रहो, अच्छा ही किया तूने,
जिससे प्यार किया उसे जीवन साथी बना लिया। तुम लोग ठहरो। विठल जी, आरती लेके आना। तो अभी लाया माँ जी। ये तुम किसकी आरती उतार रही हो सावित्री? इसकी, जो सांप की बेटी है जिसने मुझे डसा है, या मेरे इस प्यारे कुलदीपक की जिसने मेरी उम्मीदों को राख करके मेरे दुश्मन की बेटी की मांग में सिंदूर भरा है? ये दोनों इस घर में नहीं रह सकते। जाओ निकल जाए यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? राजा हमारा इकलौता बेटा है। तो फिर समझाओ अपनी इस इकलौती औलाद को कि अगर इसको इस घर में रहना है तो इस लड़की को वहीं फेंकना पड़ेगा जहाँ से उठाकर लाया है। मैं मधु को नहीं छोड़ सकता। तो फिर तुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। चलो मधु। राजा, राजा ठहरो। जाने दे इसे। हम समझेंगे हमारा कोई बेटा नहीं था, हम भी औलाद थे। जा, आज से तुझे मैंने अपने घर, अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से बेदखल किया। जा। आज मुझे पता लगा है कि मैं एक ऐसे तंगदिल इंसान का बेटा हूं जिसके पास अपने बेटे को देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस चौकट को तुम ठोकर मारकर जा रहे हो, एक दिन अंदर आने के लिए उसी चौकट पर तुम्हें अपना माथा रगड़ना पड़ेगा। उन्होंने ही मुझे कंगन दिए और कहा सुहागन की कलाई कभी सूनी नहीं रहनी चाहिए। राजा, क्या हुआ? मधु, तुम ये कंगन वापस कर दो। वापस कर दो? क्यों? ये तो माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद तो है इनमें, लेकिन सोना मेरे बाप का है। मुझे सोने का लालच नहीं है राजा, मैं तो सिर्फ माँ की भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहती। तुम मुझे गलत समझ रही हो मधु, मैं भी माँ का अपमान नहीं करना चाहता। वही तो कर रहे थे। नहीं मधु, जिस आदमी ने तुम्हें आज तक स्वीकार नहीं किया उसके घर से आए कंगन मैं कभी नहीं रख सकता। हमें सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी दौलत नहीं। तुम बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो राजा, मैं ये कंगन नहीं उतारूंगी। तो मुझे उतारने पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम ही ये कंगन जाकर वापस करके आओ। जाओ। मैंने राजा के साथ अच्छा नहीं किया, बेवजह उसका दिल दुखाया। बेचारा बिना खाए पिए ही चला गया। जब वो वापस आएगा तो माफी मांग लूंगी और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। शाम हो गई, राजा तो वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसे कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे रूठ कर गया है। वो जहां भी होगा मैं उसे मना कर लाऊंगी। रामू ने अपने लड़के को बहुत मारा, मेरे से नहीं देखा गया। मैंने बोला तुम उसे ठीक से समझाओ, मगर उसकी समझ में नहीं आया, वो उसे मारता ही रहा। राजा यहाँ आया था? नहीं बेटी, यहाँ तो नहीं आया। कहाँ चला गया? क्या हुआ मधु बिटिया?
कहां थे तुम इतनी देर? जवाब दो। मधु मैं। डोंट टच मी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कभी सोचा मुझ पर क्या गुजरी होगी, क्या हाल हुआ होगा मेरा? मधु मेरी बात तो मर गई। मधु मेरी जरा सी गलती पर तुम मुझे छोड़कर चले गए। यही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? यही कदर है मेरी? नहीं मधु ऐसा नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। इसी दिन के लिए हम लोगों ने घर छोड़ा था। तुम्हें नहीं पता इन एक एक लम्हों में मैं हजारों मौत मरी हूं राजा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कहा था ना कि सुहागन की कलाई कभी सुनी नहीं रहनी चाहिए। I'm sorry. मुझे माफ कर दो। पता करो फिर मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मुझे तुम्हारे सवाल कुछ नहीं चाहिए। मधु मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। चल चिट्ठी लेके घर चले। ये मैं नहीं कह रही, ये तो नीचे वाली लैला अपने ऊपर वाले छैला को बोलना चाहती है। हाँ। अरे मेरी लाजो, 25 साल के बाद से मुझे जोश आया था और तुमने मेरे रुमालों पर ठंडा पानी डाल दिया। चलो कोई बात नहीं। अरे राजा बेटा। क्या है काका? तुम्हारी घर वाली ने संदेशा भिजवाया तुम्हारे लिए, कहती है आई लव यू। काका उसे कह दो कि हमें उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया और हम उसे इनाम में चुम्मा देने नीचे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ओ मेरी लाजो। क्या है? अरे मैं एक चुम्मा लेने नीचे आ रहा हूँ। क्यों मजा आया ना राजो रानी? जाओ जी, बड़े बेसारा हुआ आप तो। ये भी कोई सबके सामने कहने वाली बात है? हा? अरे मेरी 12 बच्चों की अम्मा मैं नहीं, ऊपर वाला छैला अपनी नीचे वाली लैला को चुम्मा देगा। अच्छा अच्छा। अरे बिटिया वो क्या कहते हैं, चुम्मा देने नीचे आ रहा है। काकी उनसे कहना नीचे ना आए, मैं जा रही हूँ। मधु तुम जाना मत, मैं आ रहा हूँ। नीचे मत आ।
यस डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज आप जल्द पहुंच जाइए। नर्स खून का इंतजाम करो। यस डॉक्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो। यस प्लीज जल्दी। मेरे राजा, हम आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, आप कम से कम 1,00,000 रुपए का इंतजाम कीजिए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, जितना होगा मैं लेकर आऊंगी, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। बीबी जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप और दादी माँ तो बाहर गए। कहाँ गए? शहर से बाहर गए, मालूम नहीं कब लौटेंगे। तुम क्या लेने आई हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। राजा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ है राजा? हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसको ऑपरेशन करना है, 1,00,000 रुपए की जरूरत है। अगर ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगा। मेरे राजा को बचा लो, मेरे राजा को बचा लो, मेरे राजा के पास ले चलो। ठीक है, तुम दोनों अस्पताल चलो, मैं पैसा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ चलो। पागल तो नहीं हो गए हजारी प्रसाद? बेटे के जज्बात में बहकर अपने दुश्मन की बेटी की मदद कर रहा है? भूल गया जब उस कमीने मेहरा ने भरी महफिल में तुझे थप्पड़ मारा था? हजारी प्रसाद, यही मौका है अपने अपमान का बदला लेने का, इसे हाथ से मत जाने देना, मत जाने देना हजारी प्रसाद। माँ, बाबूजी क्यों नहीं अभी तक? परेशान ना हो बेटी, वो रुपये लेकर आते ही होंगे। ठहरो, तुम राजा से बहुत प्यार करती हो ना, तो फिर राजा के लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी, लेकिन पहले राजा का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए। एक एक सेकंड उसके लिए बहुत कीमती है। और राजा मेरे लिए कीमती है। तो फिर क्या चाहिए आपको? तुम्हारा मंगलसूत्र। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? पागल इतने होश आवास में बातें नहीं करते। एक सुहागन की हाय मत लीजिए, सुहागनों के आंसू विधाता की कलम की स्याही बन जाते हैं, और फिर वो जो भी लिखते हैं उसे वो खुद भी नहीं बदल सकते। इसकी हाय पता नहीं कौन सा काल बनकर लौटेगी। बकवास बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो, हैवान हो। हाँ हाँ, मैं राक्षस हूँ, हैवान हूँ, लेकिन मुझे ये सब बनाया किसने? इस लड़की के कमीने बाप ने। उसने मुझे कहीं का नहीं रखा, बेइज्जत कर दिया, बड़ी महफिल में मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। लेकिन बाप का बदला बेटे से क्यों ले रहे हो? लाओ बैग, मुझे दो। खबरदार, जो मेरे मामले में कभी दखल दिया तो निकल जा यहाँ से, वरना तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जाओ यहाँ से, जाओ चली जाओ। अब एक बात तू भी सुन ले, अगर तेरा पति मर गया तो दोष मुझे मत देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए समझ कीजिए। मैं भगवान के लिए नहीं, अपने लिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर राजा मेरा पति है तो आपका बेटा भी था है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन वो तुम्हारा पति बना था, और उसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला था। इस हार में मेरी जीत छुपी है, इसे मुझे दे दो। ये सिर्फ गले का हार नहीं है, इसके काले दानों में करवा चौथ की वो तमाम रातें गुथी हुई है जब मैंने अपने पति के लिए मन्नतें मांगी थी। आप मेरी जिंदगी मांगते तो मैं आपको दे देती, लेकिन मैं अपना मंगलसूत्र कैसे दे दूं? तुम अपने आंसू और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो बेवकूफ लड़की, मैं जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, मेरे राजा को मुझसे अलग मत कीजिए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रुक जाइए, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार। चल और अपने सुहाग की कसम खा कि आज से तेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं। चल, आज से मिलना तो दूर, तू उसके रास्ते में भी नहीं आएगी। इसे कुछ नहीं बताएगी कि तूने इसे मिलना क्यों छोड़ा। तुझे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की कसम, आज से तू और राजा पति पत्नी नहीं। और अगर तूने ये कसम छोड़ी तो तू राजा का मरा हुआ मुंह देखेगी। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है।
बेटे। ड्राइवर पानी लाओ। सब पानी। डैडी, डैडी मैं मर जाना चाहती हूँ डैडी। नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। बेटे मैं तुझे मरने नहीं दूंगा मेरे लाल। किसने तेरी ये हालत बनाई? कौन है वो? अरे अरे मेरा साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी और इस हाल में? लगता है बेचारी ने तीन चार दिन से खाना नहीं खाया, जबकि मेरा साहब के चार बड़े बड़े होटल हैं। और कपड़े, अरे अरे तन ढकने को कपड़े तक नहीं, और मेरा साहब की छह कपड़े की मिले हैं। सज्जनों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैं मेरा साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए आज इनको इस हाल में देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि जिस बेटी की एक सिसकी से मेरा इंडस्ट्रीज की ईंट ईंट हिल जाती थी, वो आज एक जिंदा लाश है। हजारी, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है मेरा साहब, अपनी बेटी की हालत पर तरस खाइए। हाँ तो सज्जनों, ये बेसहारा लड़की इश्क के चक्कर में पड़कर घर से भाग गई। फिर जैसा कि होता आया है, इसके यार ने इसको घर से निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया ये मुझे नहीं पता, ये आपको मेरा साहब ही बताएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश, अगर कोई रिश्ता है अच्छा सा तो बताइए, पैसों की फिक्र मत करिए, पैसा मेरा साहब के पास बहुत है, दान दहेज में बहुत कुछ मिलेगा भाई। अरे दहेज के लिए किसी का कोई उतारा हुआ पहने? इतने बेगैरत नहीं है हम लोग। सुन लिया मेरा साहब, अब आपकी बेटी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो ये खुदकुशी कर ले या फिर जाकर किसी कोठे पर बैठ जाए। Shut your mouth, Hazar. You shut your mouth, मेरा। ये लो मेरी शॉल और जिंदा लाश को ठक दो। थोड़ा पुरानी है क्योंकि एक कबाड़ी और रद्दी वाले की शॉल है, लेकिन तुम्हारी बेटी की इज्जत ठकने के लिए काफी है। और ये लो कटोरा, इससे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगना। और एक बात याद रखना मेरा, जो थप्पड़ दिखाई नहीं देता वो ज्यादा गहरी चोट करता है। ले बेटा, दवा पी ले, ले। पहले मुझे ये बताओ कि मधु कहाँ है? जब भी मैं पूछता हूँ तुम टाल जाती हो। मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो जैसे भी है मैं उसे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कहाँ है मधु माँ? तुम जानना चाहते हो मधु कहाँ है, किस हाल में है? तो सुनो बेटा, जिस मधु के लिए तुम इतना बेचैन हो रहे हो, मधु मधु चिल्ला रहे हो, वो तुम्हें छोड़कर अपने बाप के घर चली गई है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो फिर इतने दिन जब तुम अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहे थे, वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अपने बाप के घर में ऐश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, वरना तुम्हारी लाश उठाने वाला कोई नहीं था। नहीं नहीं मधु, ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। डरी वो मेरे लिए मर सकती है, लेकिन मुझे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ लड़के, वो जिसे तू अपनी अनारकली, अपनी लैला, अपनी हीर समझ रहा है, वो जिसके साथ तूने सात फेरे लिए थे, वो जिसके गले में तूने मंगलसूत्र डाला था, वो मेरे मुंह पर मार गई तेरा दिया हुआ मंगलसूत्र। ये देख। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर मेरी जबान से ज्यादा तुझे अपनी आंखों पर भरोसा है तो जा खुद देख ले, तेरी वो मधु तुझे पहचानती भी है या नहीं। या देख, मधु पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की कसम, आज से तू और राजा पति पत्नी नहीं। और अगर तूने ये कसम तोड़ी तो तू राजा का मरा हुआ मुंह देखेगी। हाय मधु, तुम्हारे लिए फूल। आओ शक्ति, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। Thank you.
यहां चलो। राजा तुम मुझे जिंदा देखकर अफसोस हो रहा है? मधु तुम इतना गिर सकती हो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम मुझे अस्पताल में मरने के लिए अकेला छोड़कर चली गई तो मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा बाप सही था और मेरा प्यार झूठा। तुम चुप क्यों हो मधु? जवाब दो, बोलो मधु, क्या कमी थी मेरे प्यार में? कौन सी भूल हुई थी मुझसे मधु जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? देखो राजा, बचपन से मुझे ऐशो आराम की आदत रही है और तुम्हारे साथ रहकर मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, और फिर तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तो ना ही मुझे एक विधवा बनकर जीना मंजूर था और ना ही एक अपाहिज की पीवी बनकर। नहीं, नहीं शक्ति, जाने दो इसे, बेचारा इस वक्त होश में नहीं है। होश में तो मैं अब आया हूं। मैंने तुमसे प्यार किया है मधु और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है वो किसी को बताना नहीं, वरना लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। राजा बेटा, क्या हालत बना रखी है अपनी? तू क्यों उस बेवफा लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मुझे अकेला छोड़ दो डैडी। कैसे अकेला छोड़ दूं? मत रे बापू, चल मेरे साथ, हम उस लड़की और लड़की के बाप को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा और तेरी बारात उस लड़की के घर के नीचे से ले जाऊंगा, तू देखना। अब इस लाश की अर्थ ही निकले या बारात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है आप कीजिए। लो, खुद ही पढ़ लो। जिसके लिए तुम दिन रात आंसू बहाती हो वो तुम्हारा राजा सहरा बांधने जा रहा है। शक्ति, क्या हुआ? आ गया ना असलियत पर। मधु बेटे, कब तक तू यूं घुट घुट के मरती रहेगी? तेरा यह हाल मुझे देखा नहीं जाता बेटे, सारी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, भूल जा जो कुछ भी हुआ, एक नई जिंदगी शुरू कर। शक्ति से शादी कर ले। नहीं दादी, फिर ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बेटे, कैसे छोड़ दूं मैं तुझे तेरे हाल पर? बाप हूं तेरा, मैं तेरी खुशी चाहता हूं। अब मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? हाँ। तो मुझे दूर ले चलिए, बहुत दूर। हाँ बेटे, ले जाऊंगा मैं तुझे दूर, बहुत दूर। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, आपका बेटा नहीं आया अभी तक। बस वो राजा आता ही होगा, लेकिन आपने सारी तैयारियां कर ली है ना? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए हजारी प्रसाद जी,
मैंने पूरी तैयारियां कर ली, मुझे मेरा वादा याद है। राधे श्याम। थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है हजारी प्रसाद जी, ये तो मामूली वर दक्षिणा है, दहेज नहीं। एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए आपको इस घर में रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो मैं ना रखने की जगह ढूंढ कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। जितना सारा पैसा मैं रखूंगा अपने पास। पैसे के लिए क्या कर रहे हैं आप? एक पागल लड़की से मेरे राजा की शादी कर रहे हैं? पागल तो सारी लड़कियाँ होती है, खुद को देखो। अगर पागल ना होती तो बेटे के सगाई के मौके पर इस तरह की अशुभ बातें करती? आपको मालूम है मेरे बेटे की क्या हालत है? घूल घूल कर वो क्या से क्या हो गया है, शराब पीने लगा है वो, पता है आपको? कल रात से घर नहीं आया, और आपको कोई परवाह नहीं? अपने बच्चे पर रहम कीजिए, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय मत। बकवास बंद कर, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, समझी? लास्ट टाइम जब ये कोर्ट मैंने बेचना चाहा था मिस्टर पसरीचा, तो मैंने सोचा कि 1937। आप में से मिस्टर हजारी प्रसाद कौन है? मैं हूँ, क्या बात है? ये आपके बेटे की तस्वीर है? हाँ, ये तो मेरे बेटे राजा की तस्वीर है। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी लाश से चीजें मिली। नहीं, नहीं, ये झूठ है, झूठ है ये। तो आप खुद इत्मीनान कर लीजिए। हवलदार, बॉडी अंदर ले आओ। पर आपके कपड़े कहां से आए? मैं शराब पी के बेहोश पड़ा हुआ था, तभी मेरा कोट और मेरी चीजें चुरा कर भाग गया होगा और किसी गाड़ी के नीचे आके मर गया होगा। काश इसकी जगह मैं मर गया होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। Don't touch me! लेकिन बेटा खबरदार, जो मुझे बेटा का या मुझे हाथ पे लगाया। बेटा ये सब मैंने तेरे लिए। मेरे लिए नहीं मिस्टर हजारी प्रसाद, मैं क्या हूं आपके लिए? सिर्फ एक बिकाऊ चीज। मुझे आप बेचने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं? शायद आपने मुझे पैदा भी इसलिए किया था, जैसे कोई कसाई बकरे को बाल पोस कर बड़ा करता है और एक दिन उसकी बोटी बोटी बेच देता है। नहीं, नहीं, तुझे गलतफहमी हुई है। मैं सब कुछ सुन चुका हूं, आपने मधु के साथ क्या किया, उससे कौन सी कुर्बानी ली? अरे मधु तो गैर थी, फिर भी मेरी जिंदगी के लिए उसने अपने साहब की कुर्बानी दी। लेकिन आप, मैं तो आपका अपना खून था, आपके जिस्म का टुकड़ा,
भूखा शेर कभी कभी मजबूरी में अपने बच्चों को खा जाता। लेकिन आपको कौन सी मजबूरी थी मिस्टर हजारी प्रसाद? कौन सी भूख थी? कितनी भूख थी जो अपनी औलाद को खाकर भी नहीं मिटी? बस कर बेटा बस कर। ये आंसू किस लिए मिस्टर हजारी प्रसाद? अभी कुछ ही दिन पहले आप ही ने तो कहा था कि आपका कोई बेटा नहीं, कि मैं आपकी औलाद नहीं। आज मैं इन तमाम लोगों के सामने कहता हूं कि आज के बाद आप मेरे बाप नहीं। राजा। राजा बेटा कहां जा रहे हो? इस घुटन और शर्म से दूर अपनी मधु के पास। घर की देखभाल करना। जी माँ जी। कहाँ गए सब लोग? एयरपोर्ट। आज 4 बजे की फ्लाइट से सब लोग हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। लड़का लाल बाइक पर सिग्नल तोड़ के भाग रहा है, उसे फौरन पकड़ो। ओवर। रिसीव द मैसेज, ओवर एंड आउट। शराब पी के गाड़ी चलाते हो? सर इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे फौरन एयरपोर्ट पहुंचना है। लाइसेंस दिखाओ। सर लाइसेंस तो घर पे है सर। गाड़ी के पेपर्स होंगे? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं? नहीं सर। सर मुझे तो गड़बड़ लगती है। नहीं सर। ठीक है अंदर कर दो। सर मुझे समझने की कोशिश करिए, मेरा यकीन करिए, इस वक्त मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आई सर शट अप एंड कम विद मी, कम। ये क्या लफड़ा है, क्यों पकड़ा तूने इसका हाथ? जानता नहीं है हम गालिब है इसके साथ? मेरे फ्रेंड मिस्टर आशिक को क्यों सताया जा रहा है? सर प्लीज हेल्प मी सर, अगर मैं एयरपोर्ट वक्त पे नहीं पहुंचा तो मेरी वधु मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? सर ये सारे सिग्नल तोड़ के भाग रहा था। नहीं सर, लगता है मामला चोरी का है। अरे मामला चोरी का नहीं, छोरा चोरी का है। अरे जब चढ़ता है जनता पे मोहब्बत का जुनून तो खाक करेगा तेरा मेरा कानून। समझ गया सर। समझ गए ना? अभी कोई भी प्लेन एयरपोर्ट से उड़ेगा नहीं जब तक एम गालिब तुझे एयरपोर्ट छोड़ेगा नहीं। चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। कम ऑन।
लंदन जाने के लिए तैयार है। यात्री कृपया विमान की ओर द्वार क्रमांक 10 से प्रस्थान करें। इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट सॉरी सर फ्लाइट तो जा चुकी है। माफ कर दो बेटा। ये ले और पहना दे इसे। एक मिनट देव आनंद को एक तस्वीर लेने का मौका तो दीजिए। एक मिनट आप दिया जाइए साहबान। मैंने सोचा भाइयों देखो ये वही जाली नोट वाला सेट है, साले के दांत तोड़ दूंगा। आओ आओ हमको जाली नोट देके गया था, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे रुक जा रे, अभी हजारी प्रसाद बदल गया है, हजारी प्रसाद पुराना नहीं रहा। अब देखो मैं तुमको ये नोट देता हूँ, ये लो यार। घड़ी तो नकली है। क्या बात करते हो, अरे असली नकली। कोई बात नहीं ये दूसरे तो असली है, तेरी सूरत से नहीं मिलती।